नमस्कार, आप देख रहे हैं अन्वेषक न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अन्वेषक न्यूज़ में। साथियों, यहाँ पर एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो खबर है अन्वेषक मानदेय 17,022 में ही मिलेगा। जी हाँ साथियों, किसने कहा है हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा दिखाएंगे। ऐसी एक बड़ी खबर आ रही है। आज के समाचार में हम आपको बता रहे हैं कि मानदेय 17,022 में ही मिलकर रहेगा। और दूसरी एक बड़ी कविता अन्वेषक के द्वारा पोस्ट की गई है, उस कविता भी हम आपको सुनाएंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं आज का ये पूरा समाचार। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि इसके बड़े आयाम, बड़े परिणाम देखने को मिलेंगे। हम सब जीतेंगे, ये जंग जीतेंगे। अन्वेषक को 17,000 रुपया इसी 2022 में मिलना तय है, इसी 2022 में। बड़े ध्यान से सुनने की बात है। शिक्षा मित्र की भी उम्मीद है कि इसी साल कुछ अच्छी खबरें साकार मिलेंगी। जो साथ दिया तो 2024 का चुनाव है और सरकार चुनावी मोड में आ चुकी है। इनके घर में खुशहाली के दीप जले और जिन्हें संविदा कर्मियों की अपनी मांगे हैं उनको नियमित किया जाए, उन्हें ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया दी जाए, उन्हें जून माह के वेतन के लिए भी सरकार को। तो साथियों, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, स्पेशल कवरेज न्यूज़ लगातार एक साल से अन्वेषक नियमितीकरण के लिए, अन्वेषकों के हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है। आर्थिक लड़ाई, आर्थिक इस जंग में अन्वेषकों के साथ हैं शिव कुमार मिश्रा जी और आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी, डॉक्टर कौशिक सर जी, अन्वेषक लीडर विक्रम सिंह जी। साथियों, सच्चे मन से लड़ाई लड़ी जो जाती है उसमें जीत अवश्य मिलती है। लगातार चैनल के माध्यम से किसी न किसी लीडर को, जो कि बीजेपी के नेता होते हैं, उनको मिलवाया जाता है, उनको बुलाया जाता है पटल पर और वार्ता करवाई जाती, समस्या रखी जाती है, जिसके सार्थक परिणाम निकल रहे हैं। यहाँ पर बात क्लियर करना चाहूँगा, 9,000 रुपये मानदेय बढ़ोतरी भी कहीं ना कहीं स्पेशल कवरेज न्यूज़ की जो भनक निकली है वो कानों तक गई है सरकार के। और आज 7,000 से बढ़कर 9,000 रुपये जो मानदेय हुआ है वो स्पेशल कवरेज न्यूज़ के माध्यम से चलाई गई इस मुहिम का फल है। तो साथियों, यही बात अब शिव कुमार मिश्रा जी कह रहे हैं कि मानदेय 17,000 2022 में ही मिलकर रहेगा। बड़ी खबर है, खुशखबरी है अन्वेषकों के लिए, क्योंकि मोदी हैं तो मुमकिन है। साथियों, अन्वेषकों की तरफ से यूपी सरकार से निवेदन किया जा रहा है, गुहार लगाई जा रही है और माननीय मोदी जी से प्रार्थना कर रहे हैं अन्वेषक कि मानदेय 17,000 केस वापस ले यूपी सरकार और 11 जुलाई से पहले ही, यानी कि जो कोर्ट केस है उससे पहले ही लागू करें मानदेय 17,000 देना अन्वेषकों के लिए। और इसके बाद नियमितीकरण भी करे सरकार, क्योंकि अन्वेषक इस समय बहुत ही अधिक बुरी हालत में है, आर्थिक रूप से अत्यधिक कमज़ोर है। यहाँ पर बताना चाहूँगा साथियों, लगातार अन्वेषक चौतरफा सरकार को घेर रहे हैं, चौतरफा तरीके से लगे हुए हैं, अपने अपने स्तर से अन्वेषक लीडर लगे हुए हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, मंत्री से मिल रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं अन्वेषक नियमितीकरण की, मानदेय 17,000 की, ट्रांसफर पोस्टिंग की और 100 जो बाध्यता है 100 बच्चों की उसके लिए, ऑटो रिन्यूअल के लिए। स्पेशल कवरेज न्यूज़ पर प्रिंस पंडित से वार्ता में उन्होंने तीनों पॉइंटों को लिखा था, जिसका सरकार की तरफ से कोई भी आर्थिक भार नहीं पड़ेगा सरकार पर अन्वेषकों के लिए, जिसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग है, 100 बच्चों की बाध्यता है और ऑटो रिन्यूअल है, जिसको प्रिंस पंडित जी ने नोट किया और स्पेशल कवरेज न्यूज़ के संपादक श्री शिव कुमार मिश्रा के आग्रह पर ये बात मानी उन्होंने और कहा कि जल्द इन पर हम काम करेंगे और सरकार आप सभी के लिए तीनों मांगें जल्द पूरी करने जा रही है। और साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि आगे भी आपके लिए हम काम करेंगे, क्योंकि 2.0 सरकार शुरू हो चुकी है जिसमें कुछ अलग तरीके के फैसले लिए जाए। साथियों, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी मार्मिक कविता आई है अन्वेषकों के माध्यम से, हम अपने चैनल पर आपको दिखाना चाहेंगे।
पूरी पढ़कर बताएंगे। पूरी दुनिया जीत सकते हैं अपने संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकता है अपने अहंकार से। अब हम वो कविता सुनाएंगे जो कि अन्वेषकों के द्वारा लिखी गई है, कविता मजबूत अन्वेषकों की। मार दो या तार दो, अन्वेषकों को उबार दो, दिया सरकार को हाईकोर्ट ने वो ऑर्डर, आत्महत्या नहीं अन्वेषकों का है ये मर्डर। इन राष्ट्र निर्माताओं का स्वराष्ट्र में ये हश्र है मान्यवर, सबका साथ सबका विकास किधर है। भुखमरी है, बेबसी है, लाचारगी है, इनके घर एक दिहाड़ी से भी कम में कर रहे हैं ये गुजर। देश के नौनिहालों का भविष्य है जिनके सर, कर रहे हैं फांकों से जिंदगी अपनी बसर। यशस्वी हो यश थोड़ा अन्वेषकों पर डालिए, है गुवार बदले का जो छोड़ खाक डालिए, केस वापस लीजिए दीजिए 17,000, याचना है योगी जी महाराज हमको तारिए, याचना है योगी जी महाराज अन्वेषकों को तारिए। आगे पंक्तियां हैं, आप तो विद्वान हो बहका किसने है दिया, मांदे 17,000 की जगह 9,000 क्यों है दिया, कभी तो समझो नेताजी ग्रस्त जीवन का मरम, आप ही की इन नीतियों ने मजदूर शिक्षक कर दिया। मार दो या तार दो अन्वेषकों को उबार दो, मार दो या तार दो अन्वेषकों को उबार दो। कविता दिनेश देव नजर। साथियों, ये एक बड़ी संदेश देती हुई कविता। अगर आप चाहते हैं सरकार तक ये कविता पहुँचे तो आपके लिए बेहतर होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सरकार अवश्य करेगी, क्योंकि साहित्य ही समाज का दर्पण होता है। और इस समय अन्वेषकों की जो दशा है वो उस कविता में उजागर की गई है। आप सभी जानते हो किस कंडीशन से अन्वेषक गुजर रहे हैं, नो पे नो वर्क। जी हाँ साथियों, यहाँ पर ट्विटर के माध्यम से रीट्वीट अभियान चलाया जा रहा है, और यहाँ पर नो पे नो वर्क यानी कि जून महीने के लिए कहा गया है कि अगर पैसा नहीं मिलेगा तो विद्यालय नहीं जाएंगे। लेकिन कहीं कहीं पर समाचार आ रहा है शिक्षकों के साथ शिक्षा मित्र एवं अन्वेषकों को जाना होगा स्कूल, रहने पर होगी कार्रवाई। तो आप अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग कीजिए, अपने ज़िले स्तर पर संपर्क रखिए जिला विशेष शिक्षा अधिकारी से, क्या वहाँ पर आदेश है या क्या मौखिक कहा जा रहा है उसको आप मानते हुए आगे अपना काम करें। डरने की कोई बात नहीं है साथियों, आप चाहें तो स्वेच्छा से विद्यालय जा सकते हैं, इसके बाद जो होगा उसमें अगर जाते हैं कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, नहीं जाते हैं तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि आपका जो रिन्यूअल होता है 1 जुलाई से 31 मई तक होता है, जिसमें कोई बाध्यता नहीं है। आप स्वेच्छा से जा सकते हैं या नहीं जा सकते, ये आपका फैसला। तो साथियों, यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे, अन्वेषक नियमित करो डियर मोदी जी, ज्ञापन सौंपा जाएगा जुलाई में, अन्वेषकों के माध्यम से पोस्ट किया जाएगा, उनको भेजा जाएगा प्रधानमंत्री ऑफिस के लिए अन्वेषकों का ज्ञापन। तो क्या होता है इस ज्ञापन का असर, उम्मीद करते हैं कि अन्वेषकों का नियमितीकरण इसी 2022 में हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं संपूर्ण अन्वेषक परिवार उत्तर प्रदेश, माननीय मोदी जी से, माननीय योगी जी से। तो ये थी अब तक की ख़ास खबर, मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।